नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एपेक्स स्टेनोग्राफर्स यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पिटमैन शॉर्ट हैंड का पहला चैप्टर, जो कि है द कॉन्सोनेंट्स। और वीडियो शुरू करने के पहले मैं बता दूं कि आप लोग ये बुक खरीद सकते हैं, पिटमैन शॉर्ट हैंड इंस्ट्रक्टर एंड की। ये लगभग 120-130 रुपए में आपको मिल जाएगी अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे। और बेसिक्स के लिए ये सबसे बेहतरीन बुक है, और आप लोग इसे ख़रीद के इससे आप लोग सीख सकते हैं। और जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो इसी पे बेस्ड रहने वाला है, क्योंकि सबसे बेहतर बुक यही है शॉर्ट हैंड के लिए, और स्टार्टर्स के लिए तो ये मस्ट हैव है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है द कॉन्सोनेंट्स। तो इसके कुछ रूल्स हैं द कॉन्सोनेंट्स के। जैसे हम लोगों ने इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ी है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जैसे ए बी सी डी ऐसे करके आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो ए तो हो गया हमारा वोवेल, लेकिन बी सी डी से लेकर जेड तक में जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं, लगभग 21 हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, उसी तरीके से शॉर्ट हैंड में भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं और वोवेल्स होते हैं। तो ये टोटल 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं पिटमैन शॉर्ट हैंड में, जिसमें से कि पहले 16 जो होते हैं वो पेयर्स बनाते हैं, यानी कि उनके स्ट्रोक्स देखने में सिमिलर होते हैं और एक ही तरीके से बनते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो आप ज़्यादा ध्यान से पढ़िए। द सेकेंड कॉन्सोनेंट इन एवरी पेयर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय थिक स्ट्रोक विच मेक्स द डिफरेंस इन देयर प्रोनाउंसिएशन बिकॉज दे रिप्रेजेंट डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स। तो ये मैं आपको इससे दिखाता हूँ। ये हमारे टोटल सारे कॉन्सोनेंट्स आ गए यहाँ पे। ये पिटमैन शॉर्ट हैंड की एक स्क्रीन शॉट है, आप देख सकते हैं। ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं पी बी टी डी, और ये जो पहले 16 कॉन्सोनेंट्स हैं, पहले 16 कॉन्सोनेंट्स जो हैं पी से लेकर के जेड एच, जिसको हम लोग जी पढ़ते हैं यहाँ तक, ये सारे कॉन्सोनेंट्स के जो स्ट्रोक्स हैं वो सिमिलर हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि इस पी का स्ट्रोक और बी का स्ट्रोक सेम है। डिफरेंस ये है कि पी का स्ट्रोक लाइट है, इसको हम लोग लाइट एकदम हल्के पेंसिल से बनाते हैं, और बी के स्ट्रोक को हम लोग थोड़ा डार्क करके बनाते हैं, थोड़ा पेंसिल का ज़ोर बढ़ा के बनाते हैं। यानी कि पी का स्ट्रोक लाइट होगा और बी का स्ट्रोक डार्क होगा, तभी तो डिफरेंस आ पाएगा दोनों स्ट्रोक्स में, क्योंकि दोनों स्ट्रोक सिमिलर हैं। अंतर बस यही है कि पी जो है उसकी स्ट्रोक हल्की होगी, लाइट होगी, और बी की स्ट्रोक डार्क होगी। और आप लोग पेंसिल ही यूज़ कीजिएगा अभी स्टार्टिंग के टाइम पे, क्योंकि पेंसिल ज़्यादा बेहतर रहती है, आपको आउटलाइन में डिफरेंस ज़्यादा क्लियरली दिख पाएगा। सिमिलरली टी और डी, टी की स्ट्रोक और डी की स्ट्रोक सेम है, डिफरेंस लाइट और डार्क का है। टी की स्ट्रोक लाइट है, डी की स्ट्रोक डार्क है, बस ये अंतर है। सिमिलरली सी एच और जे, सी एच को हम लोग छे पढ़ते हैं और जे को जे पढ़ते हैं। उसके बाद के और जी, के को भी के, जी को गे पढ़ते हैं। के की स्ट्रोक लाइट होगी, ये वाली स्ट्रोक लाइट होगी, और गे के लिए स्ट्रोक डार्क होगी। सिमिलरली एफ और वी, इथ और दी, इसको हम लोग इथ पढ़ते हैं और इसको हम लोग दी पढ़ते हैं। दोनों एक ही चीज़ हैं, एक का स्ट्रोक लाइट होता है, एक का स्ट्रोक डार्क होता है, लेकिन दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग अलग है। लाइट वाले का, लाइट वाले कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन इथ है, और डार्क वाले का दी है। जैसे थिग में, थिग में हम लोग लाइट वाले का यूज़ करते हैं, और दाई में डार्क वाले का। सिमिलरली एस और जी, इश और जी, इन सब के स्ट्रोक्स सेम हैं। इसके बाद यहाँ से
एम का स्ट्रोक अलग हो जाता है, एन का और एन जी का, एन और इंग इन दोनों का स्ट्रोक सेम है, आई एन जी डार्क होता है और एन लाइट होता है। उसके बाद हमारा ये एल का स्ट्रोक आता है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, ये नीचे से स्टार्ट हो रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, और ये जो आर का स्ट्रोक है ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। तो ये जिस डायरेक्शन से स्टार्ट होते हैं आपको उसी डायरेक्शन से मनाना होता है, ये एल है और ये आर है। सिमिलरली उसी तरह अब डब्ल्यू है, डब्ल्यू को हम लोग वे पढ़ते हैं, वे, और इसी का जस्ट अपोजिट है, इसको हम लोग वाई पढ़ते हैं, ये। और सबसे लास्ट में एच है जो कि दो तरीके से बनता है, जिसको हम लोग हे पढ़ते हैं, ये एक एच ऐसे बनता है और एक एच ऐसे, एक अपवर्ड से डाउनवर्ड आता है, एक डाउनवर्ड से अपवर्ड जाता है। इसको और क्लियरली समझाने के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड निकालता हूँ, इससे आप और क्लियरली समझ पाओगे। जैसे ये मैंने समझाने के लिए बनाया है, ये मैंने एक गोल सा सर्कल ले लिया, यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे, ये गोल सा सर्कल ले लिया और इसको हमने इस तरीके से डिवाइड किया, तो ये जो पार्ट निकल के आया ये हमारा एल हो गया, ये पार्ट जो निकल के आया ये हमारा आर हो गया, नीचे का जो पार्ट निकल के आया ये हमारा एफ और वी हो गया, लाइट वाला एफ डार्क वाला वी, और ये वाला पार्ट जो निकल के आया ये हमारा एस एच हो गया इश और जेड एच हो गया जी। सिमिलरली जो हमारे और वर्ड्स बने हैं और कॉन्सोनेंट्स बने हैं, इसके लिए इसको समझाने के लिए मैं ले लेता हूँ एक गोल सा सर्कल और इसको इस बार हम लोग क्रॉस काटेंगे। तो ये जो ऊपर वाला निकलेगा ये एम बनेगा, ये जो साइड वाला निकलेगा ये इथ और दी बनेगा, ये इथ और दी बनेगा, इधर वाला जो है ये एस और जी बनेगा, नीचे वाला एन और इसको डार्क कर देंगे तो ये इंग बनेगा। तो इसी तरीके से दो सर्कल को क्रॉस करके ये सारे कर्व्स बनाए गए हैं। इसको मैं ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए, एक एग्ज़ाम्पल देने के लिए मैंने ये किया, बाकी आप इसे समझ गए होंगे। ये एल है और एल का एक और पार्ट होता है, वो भी इधर आप देख लीजिए, ये सॉरी आर का, आर एक तो डाउनवर्ड आर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, और एक ये अपवर्ड जाता है, सीधा ये ऐसे अप चला जाता है, ये नीचे से ऊपर की ओर, ये भी आर है, इसको हम लोग रे पढ़ते हैं, रे आर ए वाई रे, ये रे। तो ये 24 कॉन्सोनेंट्स हैं और ये आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए अगर आपको शॉर्ट हैंड करनी है, क्योंकि आगे सिर्फ इसी का इस्तेमाल है और ये 24 कॉन्सोनेंट्स आपको इस तरीके से याद होने चाहिए, पी बी टी डी जे जे के गे एफ वी इथ दी एस जी इश जी एम एन इंग एल आर रे वे ये हे। इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन के साथ आप इन 24 कॉन्सोनेंट्स को याद करेंगे और इनका उच्चारण जो है अगर उसमें आपको दिक्कत आती है तो ये साइड्स में दिया हुआ है कि आपको किसको किस तरीके से बोलना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोग इन 24 कॉन्सोनेंट्स को पहले याद कर लेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, और इनके सारे स्ट्रोक्स भी याद हो जाने चाहिए कि किसका स्ट्रोक कैसा है और कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ को ख़त्म होता है। आगे मैंने एक और स्लाइड शो में बता रखा है कि आप लोगों को ये इसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए, आप लोगों को साइज़ कितनी रखनी है स्ट्रोक्स और कर्व्स दोनों की। अब जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया पी और बी से, तो ये स्ट्रोक ये तो मैंने कॉपी में बना रखा है, आप लोगों को डायरी पे बनाना है, शॉर्ट हैंड की जो डायरी आती है उसमें बनाना है। तो ये पी जो है ये हम लोगों ने लाइट लिखा है और बी डार्क लिखा है, और लाइट और डार्क में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखिएगा, लाइट वाले में पेंसिल को हल्के से चलाइएगा और डार्क वाले में पेंसिल को थोड़ा दबा के चलाना है। सिमिलरली टी और डी, उसके बाद चे जे के गे, के लाइट गे डार्क,
एफ लाइट वी डार्क, इस लाइट दी डार्क, एस लाइट जी डार्क, इश लाइट जी डार्क। एम को आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं क्योंकि एम के लिए और कोई कर्व नहीं बनता है, ना ही आप लाइट बनाएंगे तो भी वो एम ही होगा, आप डार्क बनाएंगे तो भी वो एम ही पढ़ा जाएगा। एन का जो स्ट्रोक है, एन लाइट बनाइएगा तो एन होगा, उसको डार्क कर देंगे तो आई एन जी इंग पढ़ा जाएगा। उसके बाद जो कर्व शुरू हुए एल, एल आपको ये ध्यान रखना है कि ये नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर, ना कि ऊपर से नीचे की ओर, ये नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। और आर ऊपर से नीचे की ओर आएगा, ये डाउनवर्ड्स जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर आर बनेगा। और जब रे बना रहे हैं हम तो ये नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। उसके बाद डब्ल्यू भी नीचे से ऊपर की ओर, वाई भी नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, और एच दो तरीके से बनता है, एक ऊपर से नीचे और एक नीचे से ऊपर। आप कोई भी बना सकते हैं जिसमें आपको सहूलियत हो। तो ये सारे 2400 कॉन्सोनेंट्स थे कि ये कैसे बनते हैं। इसके बाद एक डिफरेंस है, एक रूल है चे और रे का, ये डिफरेंस आप समझ लें। सी एच और आर, चे और रे, इन दोनों के स्ट्रोक्स लगभग सिमिलर होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये चे जो है ये सी एच ऐसे बना है और रे जो है वो ऐसे बना है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, चे जो है वो स्ट्रेटर है, ये ऊपर से नीचे की ओर आता है, और रे जो है वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, और रे जो है वो ज़्यादा झुका हुआ है जबकि चे जो है वो कम झुका हुआ है। तो ये चीज़ आपको पकड़नी है स्ट्रोक्स बनाते वक्त कि आपने चे को कितने डिग्री पर झुका के रखा है और आपने आर को कितने डिग्री पर झुका के रखा है। आर हमेशा छोटा एंगल बनाएगा और सी एच हमेशा बड़ा एंगल बनाएगा, और सी एच ऊपर से नीचे की ओर आएगा और रे हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। तो ये सारे कॉन्सोनेंट्स थे। अब इसके लिए एक एक्सरसाइज दी हुई है, ये मैं एग्ज़ाम्पल के लिए आपको समझा देता हूँ ताकि आप लोग स्ट्रोक्स और स्ट्रोक्स को जोड़ना समझ सकें। तो जैसे ये पहला स्ट्रोक है, ये पी है, इसको डार्क कर दिया, ये बी है। स्ट्रेट वाला स्ट्रोक ये टी है, इसको डार्क कर दिया, ये डी है। फिर ये सी एच है, इसको डार्क किया तो जे हो गया। के है, इसको डार्क किया जी हो गया। सिमिलरली बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। अब आपको बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स, जो ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, इनको पहचानना है और अपने नोटबुक में लिखना है। जैसे मैं एक बता देता हूँ, ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ये आर है। ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ये पी है। ये नीचे से ऊपर की ओर एच है। ये डार्क है, ये डी है। ये भी एच है, मैंने बताया था एच एक तो ऐसे बनता है और एक ऐसे भी बनता है। ये दोनों तरीके से एच बनते हैं। ये भी ऊपर से नीचे की ओर डार्क है, ये बी है, ये वाई है, ये टी है, ये सी एच है, ये रे है। आप देख सकते हैं ये रे नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है और इसने कम एंगल बनाया है। उसके बाद ये के है, ये जे है, ये जी है। इसी तरीके से आपने बाकी भी नीचे के सारे कॉन्सोनेंट्स को पहचानना है और उनके नाम लिखने हैं और प्रैक्टिस करना है। ये बेसिक्स था, ये स्टार्टिंग था, किस तरीके से आप पहचान सकते हैं कॉन्सोनेंट्स को और कॉन्सोनेंट्स के स्ट्रोक्स कैसे बनते हैं, उनकी साइज़ क्या रखनी है। साइज़ एक बार और आप देख लें, साइज़ आपको ना ही ज़्यादा बड़ी ना ही ज़्यादा छोटा, मीडियम साइज़ रखना है ताकि वो इजीली पेंसिल उस पर घूम सके। और पेंसिल से ही लिखना है, आप लोग ने अभी पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। और इसको रिवाइज करते रहना है। और ये तो आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, जितने भी 2400 कॉन्सोनेंट्स हैं ये आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए, और इनके सारे स्ट्रोक्स भी आपको याद होने चाहिए। उसके बाद ही आप आगे वॉवेल्स पढ़ पाएंगे,
क्योंकि आगे सिर्फ इसका ही इस्तेमाल है, तो ये तो आपको ज़ुबानी याद पूरे के पूरे होने चाहिए सारे कॉन्सोनेंट्स। और ये बुक आप ख़रीद लीजिएगा, पिटमैन शॉर्ट हैंड इंस्ट्रक्टर एंड की, ये आपको अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। और अब अगला वीडियो होने वाला है वॉवल्स पे, और मैं लगभग कोशिश करूँगा कि मैं हर दिन या हर दूसरे दिन एक चैप्टर का वीडियो डाल दूँ। और बने रहिएगा आप लोग चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।